अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आपका सभी का चैनल पर फिर से स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, DHE चंडीगढ़ के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और लगभग काफ़ी सारे बच्चों से लगातार बात हो रही है और वो अपने फॉर्म्स को भर चुके हैं और फॉर्म के साथ साथ भरने के साथ साथ उनको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है वो उनको समझ आ चुकी है और होप आसानी से वो फॉर्म्स को भर रहे हैं और कोई उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। अब ज़रा इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्यारे बच्चों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले भाई, और जैसे जैसे हम आपको अपडेट देंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको सारी की सारी अपडेट्स, स्पेशल जितने भी अभी प्रेफरेंस भरने की बात रहेगी, कॉलेज की सीटें रहेगी, सारी बातें हम आपको आसानी से बता पाएंगे। एप्लीकेशन के जो फॉर्म भरने की तिथि थी 13 जून को स्टार्ट हुई थी 1 बजे के करीब, और जो लास्ट डेट है वो हमारी 1 जुलाई है। अब लगभग आप समझ सकते हैं 8-1 दिन बचे हैं और 8 दिन बाद 1 जुलाई को एडमिशन की जो फॉर्म है उसकी जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भी जिन बच्चों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं या जिनको अभी तक पता नहीं चला है कि भाई DHE की जो एडमिशन है वो सेंट्रलाइज एडमिशन है, कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं कराना है। काफ़ी बच्चों को यही गलतफहमी रहती है कि भाई कॉलेज में जाके प्रोस्पेक्टस भर के कॉलेज के थ्रू हम एडमिशन ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंट्रलाइज कोर्सेज की जो एडमिशन है वो हमारी DHE के थ्रू है। नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज जो हैं उनकी एडमिशन कॉलेज में जाकर करा सकते हैं आप, लेकिन सेंट्रलाइज के लिए आपको DHE के थ्रू ही फॉर्म भरने हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा वो पूरी जानकारी अब मैं यहाँ पर दोबारा देने लग रहा हूँ और आप एक बार दोबारा ध्यान से सुने। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट, तमाम जिन बच्चों ने भी, जिन लाखों बच्चों ने भी एडमिशन फॉर्म भरा है उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी 2 जुलाई को शाम को 5 बजे, और उसके बाद आप अपने लिस्ट में अपना नाम, आपके डिटेल्स, आपके मार्क्स, ये सब वेरीफाई कर लें। और 4 जुलाई को आपके पास 5 बजे तक रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी बाय एप्लीकेंट टू SIP थ्रू @DHEChandigarh helpline@gmail.com। 5 बजे तक आपने जो भी, अगर उसके एप्लीकेशन जो आपने पढ़ी उसके पूरे डिटेल्स जो अच्छे रहे वेरीफाई करने के बाद, अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप वहाँ पर, तो अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप उसकी जो शिकायत है वो दर्ज करेंगे DHEHelpline@gmail.com। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट, 4 तारीख के बाद समाधान, जैसे आपको बताया कि अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी तो आपके पास SMS आएगा, तो आपने वो अपलोड कर देना है। और फाइनली जो है 8 जुलाई को प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी ऑल द एप्लीकेंट्स की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 8 जुलाई को आ जाएगी, सोमवार को। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट हु हैव बीन अलॉटेड द कॉलेज, इसके बाद जो प्रेफरेंसेस आपने भरे हैं उसके मेरिट लिस्ट को बनाते हुए, जो मेरिट में जितने बच्चे आएंगे उनके सभी की, जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो 10 जुलाई को 2 बजे ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद एप्लीकेंट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन वेरीफाइड एंड इज़ बीन अलॉटेड कॉलेज मस्ट डिपॉजिट द फीस एज डिटेल ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल। तो आपने जैसे आपके कॉलेज की कन्फर्मेशन हो जाएगी, शेड्यूल के हिसाब से आपने अपनी फीस जमा करा देनी है। एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी विल बी डन आफ्टर द
एश्योरेंस ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वेन एवर बाय द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द शेड्यूल फॉर द सेम विल बी अपलोडेड ऑन DHE वेबसाइट हाउएवर द एप्लीकेंट हैज टू चूज द स्पोर्ट्स रिजर्वेशन वाइल अप्लाइंग इट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन. जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरते हुए स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप किया है तो वो अपने उनकी लिस्ट जो है सेपरेट लगेगी और वो अपने हिसाब से अपने अलग उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उस हिसाब से अपना वो DHE की वेबसाइट पे स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अपनी सीट्स को देखेंगे. एडमिशन ऑफ ऑल द सेंट्रलाइज कोर्स इन ऑल द सिटी कॉलेजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल विल बी डन ओनली थ्रू द DHE वेबसाइट. नो फिजिकल काउंसिलिंग विल बी देयर. तो जो भी आपका एडमिशन अलॉटमेंट फीस डिपॉजिशंस ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है. आपने किसी भी कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्ट नहीं करनी है. दोनों काउंसलिंग की बात करिए फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तो जो सीटें भर जाएगी उसके बाद जितनी वैकेंट सीट्स है उसकी डिटेल्स हमारे पास आएंगी और वैकेंट लिस्ट के बाद फिर आपने प्रेफरेंसेस में चेंज करने के लिए आपके पास रहेगा ऑप्शन और उसके बाद आप सेकेंड लिस्ट आएगी और उसके बाद आपको फिर से फीस पे करनी होगी. ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस शुड बी एडर टू देयर एंड देयर विल बी नो नॉट बी एनी एडिशनल सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल. जो प्रोस्पेक्टस में छपा हुआ है एडमिशन का शेड्यूल वही आपने फॉलो करना है. आपने इधर उधर और किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं करना. इफ़ एन एप्लीकेंट हैविंग द रिजर्वेशन कैटेगरी फॉल्स अंडर जनरल कैटेगरी इन द मेरिट लिस्ट द एप्लीकेंट विल बी गिवन एडमिशन इन द जनरल कैटेगरी. अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो फॉल कर रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर तो उसको जनरल कैटेगरी की सीट दी जाएगी. ओनली सो देन एप्लीकेंट मस्ट फॉलो द एडमिशन शेड्यूल ऑफ द जनरल कैटेगरी ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड फॉर द जनरल कैटेगरी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजर्वेशन कैटेगरी की जो हमारी शेड्यूल होगा वो अलग होगा और जनरल कैटेगरी का अलग होगा तो आपने जनरल कैटेगरी का फॉल को करना है. All the admission will be done provisional and subject to the verification of the document by the Punjab University Chandigarh and if any document of the information is found to be false, incorrect or concealed and at any stage the admission may be stand cancelled and there will be no refund of the fees in that case. तो ये हमारी ये पूरी की पूरी important instructions आपके सामने हैं और schedule मैंने आपको बता दिया तो इसके बाद आपके schedules क्लियर हो गए. अब आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी है और जैसे जैसे हमारे पास और अपडेट्स आती रहेगी तो हम आपको ये आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन शेड्यूल ये पहली शेड्यूल है. उसके बाद हमारी जो सेकंड काउंसलिंग है वो अभी आपके सामने आ जाएगी. सेकंड काउंसलिंग हमारी आपने फीस पे कर देनी है. उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज हो जाएगी. उसके बाद 14 जुलाई को तक आपके एडमिशंस के बाद इंस्ट्रक्शन फॉर सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी वो हमारी 15 जुलाई को आएगी और इसकी जो फीस है वो आपने 16 तक पे कर देनी है और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी फीस पे करनी है और फीस पे करने के बाद ही आपके आपकी जो है सीट कन्फर्म मानी जाएगी. तो ये हमारी इस तरीके से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह मैंने आपको पहले से ही बता दिया था और ये थी आज की इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल फॉर फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग. तो वीडियो कैसी लगी भाई ये बताना है आपने. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें. साथ ही साथ भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और बढ़ चढ़ कर आपके साथ वीडियो बना बना कर आपके साथ मिलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे. धन्यवाद.